राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर ली है। पनीर को बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। हमने पनीर को कट कर लिया है। हमने यहाँ पे 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इनको पीस के इनका पेस्ट बनाएंगे। टमाटर का पेस्ट बनके तैयार है। अब हम पालक को उबालेंगे। पालक को उबालने के लिए गैस पे एक भगोना रखेंगे और इसमें 2 बंच पालक डालेंगे। हमने पालक के मोटे डंठल कट करके अच्छे से धो लिया है। 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि हमारी पालक सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, पालक सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे, ठंडा होने देंगे। पालक को इस तरीके से प्लेट पे फैला के रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। जब पालक ठंडी हो जाएगी तो उसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और पीस के फाइन पेस्ट बनाएंगे। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम अपनी फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 9 से 10 काली मिर्च डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 बड़ी इलायची छील के डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे, 1 चम्मच बेसन डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो बेसन के पहले उन्हें भून लें और फिर उसके बाद बेसन डालें। बेसन भुन गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे। आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल अलग होने लगा है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दूध की मलाई डालेंगे। आप इसकी जगह मार्केट की क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मलाई को अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से फिर से तेल अलग ना होने लगे। आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब मसाला भुन गया है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/4 कप पानी डालेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें कट किए हुए पनीर के पीसेस डालेंगे, मिक्स करेंगे। ढक के 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को एक बार चलाएंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पालक पनीर बनके तैयार है। गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, झटपट से बनके तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे, नान या राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।